किसी समय एक गांव में एक किसान था। उसके पास एक बहुत बड़ा हरा भरा खेत था और कुछ पशु थे, जिनमें दो बैल, बकरी, गधा और एक गाय थी। वो अपनी गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, क्योंकि उसकी गाय कुछ दिनों में एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। कुछ दिनों बाद किसान की गाय को एक भयंकर बीमारी लग जाती है, जिससे ना वो कुछ खा पाती और ना ही उठ पाती थी। किसान ने उसका बहुत इलाज कराया, उस पर किसी भी दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे लिम्पी स्किन का वायरस लग गया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। ये जानकर किसान बहुत उदास होता है। वो सोचता है कि अगर मेरी गाय ना बच पाए तो कम से कम इसका बच्चा बच जाए। अगले दिन वो गाय एक बछड़े को जन्म देती है, जो बिल्कुल मरियल और कमजोर था, क्योंकि उसे भी वही बीमारी लग गई थी जो उसकी माँ को लगी थी। किसान उसे देख के समझ जाता है कि ये बछड़ा बस कुछ दिनों का ही मेहमान है, ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन उसे इससे भी ज्यादा दुख अपनी गाय के मरने का था, जो अपने बच्चों को जन्म देते ही मर गई। हे भगवान, अब क्या करें, हमारे पास इकलौती यही गाय थी, अब ये भी नहीं रही। लगता है समय से पहले ही फसलों को काट कर बेचना पड़ेगा और उनसे जो पैसे आएंगे उससे हमें नई गाय लेनी पड़ेगी। हाँ, लगता तो यही है, हमें आज से ही फसलों को काटने में लग जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें अपने बछड़े को ठीक करना होगा, वरना वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। देखो, उसको भी वही बीमारी है जो उसकी माँ को थी। बहुत इलाज करने के बावजूद भी उसकी माँ ठीक नहीं हो पाई, तो वो कैसे ठीक हो पाएगा? और वैसे भी अगर वो यहाँ रहा तो हमारे बैल भी उस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मुझे उसे कहीं दूर जंगल छोड़ने जाना पड़ेगा, और वैसे भी ये आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगा। लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्या पता दवा का कोई असर दिख जाए। आपको तो पता ही है ना कि हमारी गाय ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ही अपने प्राण त्याग दिए, ताकि उसके बाद हम उसका ख्याल रखें। ठीक है, मैं कल इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अगले दिन किसान दुखी मन से अपने बछड़े को इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। तभी किसान को एक व्यापारी दिखता है, जो बैलों का व्यापार करता था। वो कमजोर बैलों और बछड़ों को कम दाम में खरीद के उनका पालन पोषण करता था। जब वो हट्टे खट्टे और तंदुरुस्त हो जाते तो वो अच्छे दामों में अपने ग्राहकों को बेचकर मुनाफा पाता था। तभी उस व्यापारी की नज़र उस मरियल बछड़े पर पड़ती है। व्यापारी उस बछड़े को खरीदने का मन बना लेता है। वह उस किसान के पास जाता है। अरे किसान भाई, क्या तुम अपने इस बछड़े को बेचोगे? इतनी कीमत लोगे तुम इसकी? सेठ जी, आप इस बछड़े को मत खरीदिए, इसको एक खतरनाक बीमारी है। अगर ये अन्य गायों या बैलों के साथ रहा तो उन्हें भी ये बीमारियां लग जाएंगी, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास इस बीमारी को ठीक करने का इलाज है। मेरे कुछ गाय और बैल इस बीमारी की चपेट में थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है। तुम बताओ कि तुम इसे कितने में बेचोगे? किसान मन ही मन सोचता है, कमाल की बात है, ये व्यापारी इस बछड़े को क्यों खरीदना चाहता है? चलो मुझे क्या, अच्छा ही होगा कि ये इसे खरीद ले, वरना बेबच्चे के इलाज में मेरा खर्चा होगा। और अगर ये व्यापारी की दवाइयों से ठीक हो जाएगा तो मैं फसल बिकने के बाद इसे वापस खरीद लूँगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूं। इसे आप ही ले जाइए और बदले में बस मुझे 2000 रुपए दे दीजिए। बस 2000? ये लो। किसान उस मरियल बछड़े को सिर्फ 2000 में बेच देता है और व्यापारी उसे ले जाता है। व्यापारी बहुत खुश था, क्योंकि उसे पहले सौदे में इतने सस्ते में एक बछड़ा खरीद लिया था। वो उसे अपने बैलों की मंडी ले जाता है और उसे अपने नौकर से चारा खिलवाता है, लेकिन वो कुछ नहीं खाता। फिर उसे उस बीमारी की वैक्सीन लगाई जाती है। कुछ दिनों तक यही चलता है, लेकिन उस बछड़े पर दवाइयों और वैक्सीन का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। व्यापारी बहुत परेशान हो गया था, उसे लगने लगता है कि उसने अपना नुकसान कर लिया है। हे भगवान, ये बछड़ा तो कुछ भी नहीं खा रहा है और ना ही इस पे कोई दवाइयों का असर हो रहा है। ऊपर से ये खर्चा भी बढ़ रहा है, कहीं इसकी ये लाइलाज बीमारी मेरे और बैलों को ना लग जाए, वरना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जल्द से जल्द मुझे कुछ करना ही होगा। फिर वह व्यापारी उस बछड़े को जंगल में ले जाता है और एक गड्ढे में उसे मरने के लिए फेंक देता है। बछड़ा बेचारा खून से लूलहान होके वहीं पड़ा रहता है। कुछ देर बाद वहाँ एक किसान अपनी एक गाय के साथ आता है। उसकी नजर जब गड्ढे में पड़ती है तो उसमें उसे एक अधमरा बछड़ा दिखाई देता है। वो उसे तुरंत निकालता है और अपने घर ले जाता है।
अरे सुनो, तुम जल्द से जल्द बाजार और जंगलों से कुछ जड़ी बूटियाँ ले आओ। मुझे एक बछड़ा गड्ढे में मिला था, लगता नहीं कि अब वो जीवित रह पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करना ही होगा। हे राम, तुम इस बच्चे को यहाँ क्यों लाए? इसकी वजह से हमारी गाय में भी यही बीमारी फैल जाएगी जो इसे है। तुम्हें पता नहीं है कि इसे बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। तुम इसे वापस छोड़ के आओ। तुम इसकी चिंता मत करो, इस बीमारी का इलाज है। तुम जल्द से जल्द कुछ जड़ी बूटियाँ ले आओ। ठीक है। किसान जब बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी गाय उस बीमार बछड़े का चाट चाट के खून साफ कर रही थी। वो खुश होता है। किसान की एक बेटी भी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वो भागकर उस बछड़े के पास आती है। फिर किसान जड़ी बूटियों का उपयोग करके उनकी दवाई बनाता है और उस बछड़े को खिला देता है। कुछ दिनों तक दवाई खिलाने के बाद वह बछड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। सभी उसको पाल लेते हैं और उसका नाम सोना रखते हैं। सोना को नया और अच्छा मालिक मिल गया था और एक माँ भी। कई महीने बीत जाते हैं। अब वो मरियल और कमजोर बछड़ा एक हट्टा खट्टा बैल बन गया था। एक दिन एक जमींदार किसान के घर आता है। काफी महीने हो गए लेकिन अब तक तुमने मेरा उधार नहीं चुकाया। अगर आज तुमने मेरा उधार नहीं दिया तो तुम्हें मुझे अपनी सारी खेत की जमीन देनी पड़ेगी। हाँ मैं जानता हूँ सेठ जी, मुझे आप बस फिर से कुछ महीनों का समय दीजिए, मैं पक्का आपको आपका सारा उधार चुका दूंगा। कैसे चुकाओगे उधार? काम धंधा तो कुछ करते नहीं और ना ही तुम अपने खेत में फसल बोते हो, तो मैं कैसे यकीन करूँ? मालिक आप बस आखिरी बार मेरा यकीन करिए, मैं कुछ न कुछ करके अपना उधार चुका दूंगा, नहीं तो आप जब तक मेरे बैल को अपने पास रख लीजिए। ये ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बैल का क्या करूँगा? मेरे पास पहले से ही कई बैले हैं, देना है तो अपनी गाय दो। जमींदार जानता था कि किसान का एक लौता कमाई का सहारा उसकी गाय थी। वह उससे उसकी गाय छीनना चाहता था ताकि किसान बेबस हो जाए और जमींदार उसकी सारी जमीन हड़प ले। लेकिन किसान ये बात जानता था, फिर भी वो उसे अपनी गाय उसे दे देता है। और अगर तुम अपना उधार नहीं चुका पाए तो अपना खेत और बैल दोनों को देने के लिए तैयार रहना। जब ये बात सोना को पता लगती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसान सबको जमींदार की बात बताता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। ट्रैक्टरों के जहरीले धुओं के कारण और केमिकल रासायनिक छिड़काव के कारण ये जमीन बंजर हो गई है। अब इस खेत में एक अन्न भी नहीं बो सकते। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। लगता है अब हम सब कुछ खो देंगे। ऐसा मत सोचो, प्रभु हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। सोना ये सब सुनता रहता है। उसे भी समझ आ जाता है कि उसका मालिक अब उसकी माँ को अब वापस नहीं ला सकता। तभी सोना एक बैल होने के बावजूद एक युक्ति बनाता है। सुबह सुबह किसान अपने खेतों में जाता है तो वो देखता है कि अचानक से उसके खेतों में फसलें उग गई हैं। किसान ये देख के चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है, एक ही रात में ये फसलें कहाँ से आ गई, वो भी एक बंजर जमीन से। तभी उसकी नज़र सोना पे पड़ती है। किसान समझ जाता है कि ये सब सोना ने किया है। वह उसके पास जाता है। सोना, सोना बेटा, ये तुमने किया? तुम कोई साधारण बैल नहीं हो, तुम एक चमत्कारी बैल हो। फिर किसान और उसका परिवार फसलों को काटता है और उन्हें बाजार में बेच देता है, जिससे किसान के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो जमींदार का उधार चुका देता है और अपनी गाय वापस छुड़ा लेता है। जमींदार बहुत हैरान होता है, इस गरीब किसान के पास इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से आए? इसने कहीं से चोरी तो नहीं की? लगता है इसने कहीं से चोरी की है या इसे कोई खजाना मिल गया है। ये तो पता करना ही पड़ेगा। आज तो कमाल हो गया, हमारा सोना साक्षात नंदी जी का अवतार है। इसने एक ही रात में बंजर खेत में फसलें उगा दी। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ये जादुई बैल मिला। हाँ जी, लगता है अब सोना के कारण हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। हाँ, जमींदार ये सब सुन लेता है। वो जान जाता है कि किसान के पास एक जादुई बैल है
अब वो उसे पाना चाहता था। जमींदार उस बैल को चुरा लेता है और उसे ले जाने लगता है। वाह वाह, क्या बात है, ये बैल तो पूरे सोने की मशीन है। अगर मैं इसे बेचूंगा तो मैं माला माल हो जाऊंगा। सोना जानता था कि ये जमींदार उसे कहां ले जा रहा है, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ चलता है। फिर वह जमींदार सोना को उसी व्यापारी के पास ले जाता है जिसने सोना को मरने के लिए गड्ढे में फेंका था। अरे व्यापारी जी, देखो मैं एक हट्टा खट्टा बैल लाया हूँ और ये एक चमत्कारी बैल भी है। अरे जमींदार जी, आइए आइए, ये बैल तो सच में बहुत ताकतवर लग रहा है। ऐसा बैल तो हमारे पास भी नहीं है। अगर ये सच में चमत्कारी है तो मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। वह व्यापारी सोना को नहीं पहचान पाता, लेकिन सोना उसे पहचान लेता है। वह पलटता है और जमींदार को एक लात मारता है जिससे जमींदार दूर जाके गिरता है। फिर सोना सभी बैलों को अपनी शक्तियों से आजाद कर देता है। सभी बैल और गाय इधर उधर भागने लगती है, जिसके कारण वह व्यापारी उनके नीचे आके अपने प्राण त्याग देता है। फिर सोना भागकर वापस अपने घर जाता है, जहां सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।